मानव तस्करी, लूट, धोखाधड़ी सहित कई मामलों में फरार जीतू सोनी के खिलाफ लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। जीतू की करतूत हर दिन पुलिस के सामने आ रही है। होटल से रेस्क्यू की गई 67 युवतियों के बयानों में भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। युवतियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि होटल में ऐसे भी ग्राहक आते थे जो डांस गाना सुनने के साथ युवतियों पर 1 से 1.5 लाख रुपए तक एक दिन में लुटा देते थे, लेकिन जिस दिन कलेक्शन कम होता था उस दिन युवतियों के कमरे में पिटाई होती थी। जीतू के चंगुल से आजाद लड़कियों का दर्द अब पुलिस के सामने बाहर आ रहा है। रेस्क्यू की गई लड़कियों ने पूछताछ में बताया कि हर दिन होटल में 6 से 8 लाख रुपए इकट्ठा होते थे। सम्राट परिवारों के लोग यहां आकर नशे में अपने पसंदीदा गाने बजवाकर डांस करवाते थे और उन पर नोट उड़ाते थे। इस दौरान बाउंसर्स की नजर युवतियों पर रहती थी। वे नशे में धुत लोगों की उत्सुकता देख युवतियों को उन्हें ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए कहते ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। सुबह जब इनके हिस्से की बारी आती थी तो इन्हें कभी 800 तो कभी 1000 रुपए मिलते थे। पुलिस की जानकारी के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि प्रतिदिन होटल के 2 बेसमेंट में चलने वाले 4 डांस बार में 1.5 से 2 लाख रुपए तो लोग उड़ाकर ही जाते थे। हर फ्लोर पर करीब 2 लाख का कलेक्शन होता था। जिस किसी दिन एक डांस बार में पैसे कम आते थे तो उस फ्लोर की युवतियों की पिटाई हो जाती थी। इसी कारण वे काफी डरी सहमी रहती थी। लड़कियों के मुताबिक यहाँ उनका कोई परिचित नहीं था, ऐसे में वो यहाँ रहकर जुल्म सहने को मजबूर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, इंदौर।